अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नगला पचिया में शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा को लेकर नागरिकों में भारी आक्रोश। कहना 5 साल के कार्यकाल में नहीं सुधरे स्वास्थ्य केंद्र के हालात। बताया बोले थे 67 लाख का कराया है प्रस्ताव पास, फिर कहां गए वो रुपए। फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र नगला पचिया में क्षेत्रीय वासिंदों ने यहां के स्वास्थ्य केंद्र का शिकोहाबाद विधायक द्वारा अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई विकास न कराने और विकास की बजाय उसमें किराएदार और बसाने को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। कहना था कि जमीनें हम लोगों की गई और किराएदार विधायक ने रख दिया, कोई भी विकास कार्य कराया होता तो उनको याद रखा जाता। उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साथ ही बताया गया कि जब इस स्वास्थ्य केंद्र को बनवाने के लिए उनसे गुहार लगाई गई तो उनका बयान था हमने 67 लाख का प्रस्ताव पास करा लिया है, जब प्रस्ताव पास हुआ है तो कहां गए वो रुपए, कहां हुआ विकास। इन सब बातों को लेकर शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा के खिलाफ काफी आक्रोश नजर आया। क्षेत्रीय वासिंदों में प्रीतम सिंह, मुकेश बघेल, विष्णु निषाद, राम खिलाड़ी संघ कई क्षेत्रीय लोगों ने उनके विरोध में प्रदर्शन किया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। मेरा नाम विष्णु निषाद है। हम मुकेश वर्मा जी इस वजह से विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो 5 साल विधायकी में रहने के बावजूद हमारे नगला पचिया में आज तक एक ईंट लगाने का काम नहीं किया है और हमारे गांव में एक विकास भी नहीं हुआ है। अब आप देख भी रहे हैं कि जो हॉस्पिटल काफी सालों से बना हुआ जंजर पड़ गया है, इसमें किराएदार रह रहे हैं, अन्यथा इसमें कोई भी काम नहीं हुआ। इसमें जितना ही पैसा आ गया है साला घपलेबाजी हो गया है और किराए पर इसमें लोगों को किराए पर रखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो कि अभी सुखवा सीट से उनका मतलब पार्टी बदल लिया है, समझाते हैं लोग समाजवादी पार्टी में चले गए। मैं चाहता हूं जो समाजवादी में गए हैं इनको टिकट ना देने का काम करें, जिससे हमारे समाज में आक्रोश है। मैं माननीय अखिलेश जी से कहना चाहता हूं इनको टिकट ना दें, जिससे हमारे समाज में इसका विरोध होगा। प्रीतम सिंह निषाद, क्यों इकट्ठे हुए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग जब से मुकेश वर्मा जी के 5 साल से कार्यकाल है तब से अभी तक ना तो कोई काम हुआ है, ना हमारे क्षेत्र में ना कोई कुछ भी हुआ है। प्लस ये है ना, जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है हमारे क्षेत्र में, इसको 5 साल हो गई, अभी तक कोई भी इसमें ना चालू हुआ है ना कुछ हुआ है, जबकि इसमें विधायक जी ने किराएदार और इसमें रख दिए। चालू होने के बजाय इसमें किराएदार रख दी, जबकि जमीन हम लोगों की गई, हम लोगों की जमीन गई, सब कुछ गया हमारा, और किराएदार इसमें मुकेश वर्मा जी के कहने पर रख दिए उन्होंने। विरोध किस चीज का है? विरोध ये है, हम ये चाहते हैं विधायक जी का विकास नहीं कराया कि विधायक जी कुछ भी नहीं कराया। मुकेश वर्मा जी ने अभी तक 5 सालों में ना कोई कार्य कराया है, ना हमारी तरफ कोई भी ध्यान दिया है मुड़ करके, और जबकि 5 साल हो चुके हैं हमारी तरफ कोई भी मुड़कर ध्यान नहीं दिया है उन्होंने। और हम चाहते हैं कि देखो, अगर ऐसे व्यक्ति बार बार अगर आएंगे समाज में जो कि वोट लेने के समय पर आते हैं, बाद बाकी जब समय निकल जाते हैं तो फिर मुड़के भी नहीं देखते। 5 साल में कभी आए आपके पास? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं आए ना। अरे खुशी में तो छोड़ो, गम में भी नहीं आए कभी। स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है? ये स्वास्थ्य केंद्र नगला पचिया में बना हुआ है, बना हुआ है ये, इसको बने हुए 13 साल हो चुकी, लेकिन 13 सालों में जबकि हमने करीब 20 से 50 बार हमने मुकेश वर्मा जी को अर्जी दे चुके, लेकिन अभी तक उन्होंने चालू नहीं हुआ, नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने एक बात हमसे कही थी कि हमने 67 लाख रुपए का प्रस्ताव पास करा लिया है, हम इसको बनवा लेंगे इसको, लेकिन 67 लाख रुपए कहाँ चले गए, कहाँ उन्होंने गवर्न कर दिए, इसका भी उन्होंने हमें नहीं पता, इसका खा गई पी गई क्या करेंगे वो उन्हें ही पता होगी साहब। राम खिलाड़ी। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, किसका विरोध कर रहे हैं आप? हम मुकेश वर्मा जी का। क्या क्या क्यों, क्या वजह है? वजह यही है, अब देखो हॉस्पिटल तक गला आदमी माँ बजे सुबह तो यहाँ टनको तो हमें और बड़े बूढ़े दवाई से मिलती, हमें तो कट भी नहीं मिल रहा। कब से बना हुआ है हॉस्पिटल यहाँ पे? 14 साल है मायावती जी की, तब से अभी तक चालू नहीं हुआ ये? नेक चलाओ फिर उनकी सरकार बंद रही, आपत रही और बंद हो गया। तो कौन रह रहा है इसमें, कोई रहता है क्या? हाँ, किराएदार रह रहे। किसने रखी है ये किराएदार? वर्मा जी ने रखे, डॉक्टर ने। मुकेश बघेल। मुकेश बघेल जी किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप? मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूं, इनको 5 साल पिछले 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने हमारे पचिया नगला में कुछ भी विकास नहीं किया, पीछे पानी भरा पड़ा है आप देख लीजिए।
नहीं तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे बता रहे हैं ये कब से बना हुआ है? मुझे यहाँ आए हुए 5-6 साल हो गए, तब से मैं ऐसा ही देख रहा हूँ, यहाँ पे किराएदार रहते हैं। चालू नहीं हुआ ये? नहीं चालू नहीं हुआ।